सानिहा मॉडल टाउन के मुतासरा खानदान लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जस्टिस अली बाकिर नजफी की रिपोर्ट की कॉपी हासिल करने के लिए होम सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर सबसे मौजूद हैं। सेक्रेटेरिएट के बाहर अवामी तहरीक के कारकुनान बैनर्स और पार्टी परचम उठाकर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुबैर साजिद ढिल्लों से। जुबैर, अपडेट कीजिएगा हम एहतजाज से मुतल्लिक। जी बिल्कुल नबीहा, खुरम नवाज गंडापुर की क्यादत में चार रुकनी वफ़ जो है सेक्रेटेरिएट के अंदर चला गया है। जीआईटी की रिपोर्ट, जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट हसूल के लिए अंदर जा चुके हैं। बाहर जो है अवामी तहरीक के कारकुन जो है वो ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े, ये लोग धरना दे के बैठे हैं। इसमें छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, ख्वातीन हैं, और ये मैं बताता चलूँ कि सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। अगर दूसरी जानब हम बात करें सेक्रेटेरिएट के मेन एंट्री पॉइंट की जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी जो है वो डंडा बरदार फोर्स जो है वो दरवाज़ा बंद करके बैठी हुई है और इनको रोके हुए है। ये सारे अवामी तरीके कारकुनान की तादाद आपको नज़र आ रही है जो इस गेट को, गेट का घेराव करके खड़ी है, क्योंकि यहाँ अंदर जो है खुरम नवाज गंडापुर जा चुके हैं और ये इन कारकुन इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये वापस आए, उनका मुतालबा हो। ये मैं आपको दिखा दूँ कि पुलिस की डंडा बरदार फोर्स जो है अंदर और बाहर जो है सेक्रेटेरिएट के मौजूद है और खारदार तारें भी लगी हुई हैं गेट को ताकि किसी किस्म के कारकुन जो है यहाँ ना जाए। दूसरी जानब ये लोग मौजूद हैं यहाँ पे जो इन पुलिस वालों को देख रहे हैं। अगर पुलिस की बात करें तो सेक्रेटेरिएट के तमाम दरवाज़ों पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, डंडा बरदार फोर्स मौजूद है, शेल भी आंसू गैस के उनको दिए गए हैं, हेलमेट भी दिए गए हैं ताकि अगर अवामी तरीके कारकुन कोई हंगामी सूरत हाल पैदा करे तो उससे खसूसी जो है निपटा जा सके। अगर कारकुन की बात करें तो मेरे अकब के जो मनाजर आप देख सकते हैं ये अवामी तरीके कारकुन हैं जो रोड ब्लॉक करके बैठे हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि जल्द से जल्द जो है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट को जो है पब्लिक किया जाए और इन्हें दी जाए। खुरम नवाज गंडापुर का ये कहना है कि अगर ये रिपोर्ट इन्हें ना दी गई तो ये धरने को तवील भी कर सकते हैं, यहाँ बैठे रहेंगे, कुछ खवातीन हैं इनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि इनका क्या मुतालबा है और कब तक बैठे रहेंगे। अच्छा आप बताइएगा अगर ये रिपोर्ट नहीं मिलती तो क्या आज रात तक बैठे रहेंगे, आप पुरअज़म हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग पुरअज़म हैं, जब तक रिपोर्ट हमें दी नहीं जाती हम पूरा मन तरीके से यही बैठे हैं, अपने मुतालबे पर कायम है, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे रिपोर्ट लेना ही है। जब तक नहीं है हम यहाँ ही हैं, आज हम उसको लेकर ही जाएंगे। अच्छा आपने सुना नबीहा के ये खवातीन हैं, कारकुन हैं, अवामी तहरीक की, छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे बैठे हैं और इनका एक ही मकसद है कि जो जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक वो जल्द से जल्द जो है वो दी जाए। खुरम नवाज गंडापुर अंदर जा चुके हैं, अब देखना ये है कि कब तक अंदर इंतजार करना पड़ेगा, क्या उन्हें रिपोर्ट की कापी आज मिल जाती है या नहीं मिलती। जी ठीक है, ये भी आप हमें बताएगा जिस तरह से मुतालबात सामने रखे गए थे। खुरम नवाज गंडापुर भी क्या यहाँ पर मौजूद हैं, कोई यहाँ पर पहुँचा जो यहाँ पे शुरू का एहतजाज कर रहे हैं उनको लीड करने के लिए? जी बिल्कुल, खुरम नवाज गंडापुर जो सेक्रेटरी जनरल अवामी तहरीक हैं वो सुबह से यहाँ शुरका के साथ मौजूद हैं, एहतजाज को लीड कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो अंदर जा चुके हैं सेक्रेटरिएट वजारत दाखिला के पास, वो जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने कल दिया था उस फैसले की नकल लेकर अंदर गए हैं ताकि वो उन्हें दिखाएं और रिपोर्ट का असूल किया जा सके। उसके अलावा जो तर्जमान अवामी तहरीक हैं और जो दीगर क्यादत है वो इनकी क्यादत कर रहे हैं, जब तक वो अंदर रहेंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा और जैसे ही अंदर से कोई इन्हें ऑर्डर मिलेगा या डॉक्टर तरुण कादरी की तरफ से ऑर्डर मिलेगा तो ये लोग मुंतशिर होंगे या फिर बैठे रहेंगे। जहाँ तक बात करें सरबरा अवामी तहरीक डॉक्टर तरुण कादरी की तो उनकी हदायत भी ये दी गई हैं कि जब तक रिपोर्ट इन्हें नहीं मिलती ये कारकुन यहाँ बैठे रहें, धरना दिए रखें और इनका तमाम जो है रहने का बंदोबस्त। शुक्रिया जुबैर साजिद आपका।